चलो तो आज हम लोग करेंगे ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करेंगे। तो पहला काम एक फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर इमेजेस और वीडियोस एक साथ रख लेना, पहला स्टेप यही है क्या। उसके बाद न्यूक में जाओ, न्यूक में जाके आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, जस्ट आप यहाँ पे आर प्रेस कर दो, रीड कर दो यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ पे मैनेज करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेता हूँ नोट को यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लिया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी क्या कई लोगों को दिक्कत क्या आती है कि यार पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत सी इमेजेस निकाली हैं, गलत भी निकाली है सही भी निकाली है क्या, ताकि पता चले कि भाई गलत और सही है क्या। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग कितना है 1920 और 1080, तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, बस जो इमेजेस है इन इमेजेस को एक एक करके उठा के लगाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 उठा के डाल दें, यहाँ पे बल्क में आ जाएंगे क्या, कुछ आएंगे कुछ नहीं भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये दिक्कत भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो कभी कभी हम लोग ऐसी प्रॉब्लम भी लाइक थोड़ा सा डालना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या होती है यहाँ पे, कहाँ गया, ऐसा लग रहा है हमारे रिकॉर्डिंग वाला पार्ट कहाँ चला गया। चलो ठीक है, फाइल क्रैश हो गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। आर प्रेस करके भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, ये तो हैवी होता है क्या। सेलेक्ट किया, वन प्रेस करते हैं, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक एक इमेज उठाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, धन्यवाद। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड दिस वन प्रेस किया, एम एम फॉर मर्ज, ठीक है। मर्ज ये हम लोगों ने पहले देखा है, बी फॉर बैकग्राउंड, ये ए को यहाँ पर डाल दिया, बी को यहाँ पर डाल दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बैकग्राउंड हटा देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे मैंने क्या, जैसा भी करेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन में मैनेज किया, तो सबसे मेन पार्ट क्या है, क्रोमा की। ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए बहुत सी चीजें, जैसे देखो दिस इज वन एंड टू, देखो यहाँ पे, तो सिर्फ इसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ यहाँ पे मैंने कलर हटाया है, बाकी चीज को यहाँ तक आते आते यहाँ तक आते आते यहाँ पे मैनेज भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, तभी हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया टैब क्रोमा की, क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं यूजुअली वन कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करना यहाँ पे, यहाँ पे क्या कंट्रोल एंड क्लिक करो, चला गया यहाँ पे, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ए फॉर अल्फा, इतना नीट एंड क्लीन, सिर्फ जो ऑनलाइन में जो वीडियोज मिलते हैं ना, सिर्फ उसी में नीट एंड क्लीन होता है, या आप प्रॉपर शूट करो तो उसमें होगा, ठीक है। ये मेरे पास अल्फा आ गया है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया दिस वन, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे ए प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ए प्रेस करने पे यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, अगर आप सीन को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें स्ट्रेच सी नजर आ रही है, इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, साइज देखो यहाँ पे, बैकग्राउंड का साइज वन प्रेस किया यहाँ पे, यहाँ पे साइज क्या टू प्रेस करते हैं, तो साइज मिसमैच है, तो मिसमैच को क्या करेंगे हम लोग, सेट करेंगे। पहला काम एस सेटिंग को जाकर बताओ कि भाई मुझे 1920 ही चाहिए, तो हम लोग कहाँ पे गए, 1920 पे गए, काम खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे गए वन प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो अभी भी मिसमैच होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टैप करेंगे, रीफॉर्मेट होता है, रीफॉर्मेट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो रीफॉर्मेट पे जाके क्लिक करेंगे, रीफॉर्मेट 1920 यहाँ पे है, तो अभी देखो सब कुछ सेट हो गया यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, बहुत सिंपल सा पार्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके चल रहा हूँ, वन, ठीक है। अभी ये पार्ट दिख रहा है, अभी यहाँ से देखो लाइटिंग जरा मैच कर लेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा पार्ट दिख रहा है, मेरे पास लाइट कहाँ से आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लाइट नहीं पता होता है, लाइट देखो लाइट मेरे पास कहाँ पे और कैसा आ जा रहा है, ठीक है। लाइट इधर से है, लाइट, ठीक है। अभी आप देखो कि लाइट का एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया मिल रहा है, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। देखो बाई चांस हमारे लाइट का एंगल मिल ही रहा है, ऑलमोस्ट काम कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्पेस बार प्रेस किया मैंने यहाँ पे, F4 फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ R रेड, ठीक है। रेड के अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे जो भी हमें कलर का एक्शन करना होता है वो ऐसे करते हैं, टैप प्रेस कर दिया ग्रेड, GRAD ग्रेड, ठीक है, ग्रेड पे गए। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसको मिलाना है, मुझे पहले समझना है, जो मैं बैकग्राउंड है मैं फोरग्राउंड है,
दोनों का रेड मैच कर दो, ग्रीन मैच कर दो, ब्लू मैच कर दो, काम खत्म। यहाँ पे गामा, ठीक है गामा में जाएंगे यहाँ पे। मैंने किस में काम, मैं किस पे काम करूँ, मेरे पास ये वीडियोस पे है, तो मैं बैकग्राउंड साथ में मैच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरे पास रेड है, रेड दिख रहा है, रेड वाला पार्ट आपका देखो, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन में देखो, ग्रीन में भी काफी तक सिमिलर सिमिलर सा देखे जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, डल है तो डल करना है, ब्राइट है तो ब्राइट करना, एंड बी फॉर ब्लू, ठीक है। ब्लू दिख रहा है, कम करने पर ज़्यादा करने पर ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे मैनेज कर देना। फिर एक बार देखोगे आप यहाँ पे, तो अभी ये चीज़ें थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा बैलेंस लगेगा। अभी आप ये काम आपने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ से देखो, अभी यहाँ से ये चीज़ हमारे मैच करने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आप इनको कैसे मैनेज कर सकते हो। यही काम जस्ट मैं अपोजिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया डी, ठीक है, यहाँ पे गए, टैप पे गए, ग्रिड लिया, सेम सा पार्ट, समझना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास लाइट का सोर्स इसमें है, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आर प्रेस कर दिया, आर रेड पे गए, यहाँ देखो रेड दिखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा डल करना है, डल कर सकते हैं, है थोड़ा डल, आर प्रेस कर देना है, देखना है। देन ग्रीन जी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, डल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। एंड देन ब्लू, ब्लू में देखो यहाँ पे, अरे मैच होना चाहिए, देखो यहाँ पे देखना पे, ये काइंड ऑफ डल कर, तो बहुत डल हो गया, देखो यहाँ इतना है, इसके आसपास लेके आओगे तो आइडिया मिल जाएगा। देन अभी ये देखो, ये पार्ट आपके यहाँ पे दिखता है, अभी यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैच करता हूँ, मेरे पास ये इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा कि कैसे मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं जब बैलेंस करता हूँ, बैलेंस करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मैं चीज़ों को कितना मैच कर पा रहा हूँ यहाँ पे, डी प्रेस कर दें यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो बाई चांस मेरे पास बाई डिफॉल्ट ही काफ़ी चीज़ बहुत बढ़िया देखना है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे ब्लू का कलर ज़्यादा देखना है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे मैं गया यहाँ पे, ठीक है, ब्लू का कलर में ऐसे, अभी ऐसे करके मैं देख सकता हूँ। तो एक तरीका ये भी है, आप कैसे मैच कर पा रहे हैं यहाँ पे, काम कर जाएगा यहाँ पे। ऐसे करके भी आप चीजों को मैनेज कर सकते हो कि आपको कैसे क्या काम करना है, और आपका एक फुल एंड फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो दोनों में मैंने आपको ग्रिड बता दिया, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, और आपका काम खत्म हो जाएगा, कैसे आप ग्रेड को मैनेज कर सकते हो।